यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। चारों तरफ घना जंगल था। चांद की मध्यम रोशनी में थोड़ा कोहरा नजर आ रहा था। साथ में रात के कीड़ों की आवाजें जंगल की शांति को भंग कर रही थी। सुनैना एक पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी। उसके अंदर एक अजीब तरह की बेचैनी सी नजर आ रही थी। तभी सामने से भेड़िया भागता हुआ आया। वो बहुत ही हुंकार दिखाई दे रहा था, लेकिन सुनैना उससे डरकर भागने की जगह उल्टा उसी की तरफ बढ़ रही थी। अचानक से वो उसके एक कदम करीब आ गया और सुनैना ने उसे कसकर जकड़ लिया। उसने भेड़िये की गर्दन पर अपने दांत लगा दिए और उसका खून चूसने लगा। कुछ ही मिनटों में भेड़िया एकदम शांत हो गया। सुनैना ने आसमान की तरफ देखा और जोरों से घबराई और वो चिल्लाती हुई जाग उठी। क्या हुआ सुनैना? क्या फिर से वही डरावना सपना आया? हाँ, फिर से वही सपना कि मैं किसी भेड़िये का शिकार रही हूँ। अरे उसे भूल जाओ, बस एक सपना ही तो है। और हाँ, आज तुमसे मेरी बहन जो है ना निशा, वो मिलने के लिए आ रही है। उसको अच्छे से ट्रीट करना हाँ, और वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी तो तुमको अपनी भाभी बनाने के लिए मम्मी से तुम्हारी खूब तारीफ भी कर देगी। ये सुनकर सुनैना को फिक्र होने लगी कि कहीं वो निशा के सामने कोई गलती ना कर दे, क्योंकि उसे हमेशा अपने आसपास किसी के होने का एहसास रहता था और जब भी वो कभी खून देख लेती तो उसे ना जाने क्या हो जाता था। शाम होने पर निशा उनके घर पहुंच गई। अरे वाह, भाभी बहुत ही खूबसूरत है भैया, मेरी तरफ से तो देखते ही हाँ निकल गई। निशा सुनैना से मिलकर बहुत खुश थी। तीनों ने आपस में खूब बातें की। अब सभी डिनर के लिए बैठे हुए थे। सुनैना को अभी भी अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। डाइनिंग टेबल के कोने पर एक कील निकली हुई थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। डिनर करते वक्त निशा का हाथ गलती से उस कील पर जा लगा। अरे ये क्या हुआ? भैया ये टेबल से कील निकली हुई थी। उसकी उंगली से खून निकलने लगा। सुनैना तुम देख क्या रही हो? जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। सुनैना बड़ी गौर से खून को देख रही थी। उसकी सांसें फूलने लगी थी और आंखों का रंग बदलने लगा था। सुनैना! उसने एक ही झटके में विशाल को धक्का दिया और निशा की उंगली को मुंह में लेकर उसका खून चूसने लगी। भाभी ये क्या कर रही हो आप? It's hurting. सुनैना ने उसकी एक नहीं सुनी। अब उसके दांत और नाखून किसी पिशाच की तरह खूंखार हो चुके थे। उसने निशा को पकड़ा और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। सुनैना ने धीरे धीरे उसका सारा खून चूस लिया और निशा का शरीर जब बिल्कुल नीला पड़ गया तो उसे छोड़ दिया। सुनैना निशा की लाश पर खड़ी भयानक आवाज में हंस रही थी। देख लिया अंजाम, मेरी जिंदगी से निकल जा वरना तेरी भी लाश ऐसी जमीन पर पड़ी होगी। सुनैना! उसके चिल्लाते ही सुनैना अपने सेंस में वापस आ गई और अगले ही पल चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो वो शमशान भूमि पर थी। मैं यहाँ कैसे आई विशाल? मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, अब यही हमारी मदद कर सकते हैं। बाबा ने उसके माथे पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैं तुम्हें कुछ देर के लिए तुम्हारे भूतकाल में भेज रहा हूं। वहां तुम जानने की कोशिश करना कि तुम्हारे साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब अपनी आंखें बंद कर। बाबा ने उसके माथे पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। राजकुमारी रत्नावती, राजकुमारी रत्नावती, राज्य में पिछले एक महीने में ये 16वीं मौत है। एक पिशाच राज्य के लोगों को खत्म कर रहा है। मरने वालों की लाश नीली पाई जा रही है, जो इस बात का सबूत है कि उनकी मौत शरीर से पूरा खून निकल जाने की वजह से हुई है। हम वादा करते हैं कि उसे जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। राजकुमारी वो कोई इंसान नहीं है जो हम उससे लड़कर उसे खत्म कर सके। उसका कोई इलाज नहीं है। इस राज्य की राजकुमारी होने के नाते हमारा फर्ज है
कि हम इसकी हिफाजत करें। हम उस पिशाच को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। रत्नावती रात के समय अपने चेहरे पर नकाब लगाए शहर का जायजा लेने निकली। एक जगह एक नौजवान राजकुमारी के घोड़े के सामने आकर रुक गया। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। बस इतना जान लो कि तुम्हारा खून अब मेरी प्यास बुझाने जा रहा है। ऐसा कहकर वो खूंखार रूप में आ गया और राजकुमारी के ऊपर झपट पड़ा। वो राजकुमारी की गर्दन पर दांत गड़ाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही राजकुमारी के चेहरे से नकाब हटा वो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। मैं अघोर आपकी खूबसूरती के आगे घुटने टेक चुका हूँ। अगली सुबह राजकुमारी अपने साथ अघोर को लेकर दरबार में उपस्थित हुई। आज से ये हमारे राजा होंगे और अब से हमारे राज्य में किसी की भी जान नहीं लेंगे। ये सुनकर सभी को हैरानी हुई, लेकिन राजकुमारी के सम्मान में किसी ने कुछ नहीं कहा। राजकुमारी ने अघोर से विवाह कर लिया और अब वो अपने कमरे में सेज पर बैठी हुई थी। कमरे में दाखिल होने के बाद जैसे ही अघोर राजकुमारी की तरफ बढ़ा, राजकुमारी ने अपने पास छिपाई हुई एक चांदी की माला उसके गले में डाल दी और फिर एक चांदी का चाकू उसके सीने में गड़ा दिया। मेरे साथ धोखा। अघोर अब खत्म हो चुका था। राजकुमारी ने उसके शरीर को एक गुफा के अंदर रखवा दिया। राजकुमारी, इसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। अगली पूर्णमासी की रात इसके शरीर में आग लगा देने से ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पूर्णमासी की रात में इसके शरीर को नहीं जलाया गया तो इसकी आत्मा वापस आ जाएगी और फिर वो तुम्हारे जरिए फिर से अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करेगी। सिर्फ तुम ही इस चाकू को इसके सीने से वापस निकाल सकती हो। उस दिन के बाद से राजकुमारी पूर्णमासी की रात का इंतजार करने लगी। लेकिन उस रात के आने से पहले ही पड़ोस के राज्य ने महल पर हमला कर दिया। सारे दरबारियों समेत रत्नावती भी मारी गई। इतना सपना देखने के बाद सुनैना ने अपनी आंखें खोल ली और फिर तांत्रिक और विशाल को सब कुछ कह सुनाया। इसका मतलब है कि उसकी आत्मा वापस आ चुकी थी और अब तुम्हारा इस जन्म में वो तुम्हें इसीलिए परेशान कर रही है कि वो फिर से अपने शरीर में वापस जाना चाहती है। मैं उसको जिंदा करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर उसको जिंदा नहीं किया तो वो मेरे जरिए ना जाने कितनों की जान ले लेगा। अब सुनैना अपने कमरे में अकेले बैठकर उसे बुलाने की कोशिश करने लगी। अघोर, मैं तुमको बुला रही हूँ, आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर बाद ही उसे अघोर नजर आने लगा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी होने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं उस जन्म में भी एक राजकुमारी थी, इसीलिए अपनी प्रजा को बचाना मेरा फर्ज था। लेकिन अब मैं तुम्हारे प्यार को समझ चुकी हूँ और अब तुमको वापस जिंदा करके ही मैं तुम्हारे जैसी ही बन जाऊंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया। उसने सुनैना को उस गुफा के बारे में बताया और कुछ ही घंटों में वो वहां पहुंच गई। गुफा के अंदर उसकी लाश अभी भी एक टीले पर रखी हुई थी। रत्नावती, गले में पड़ी हुई ये माला उतार कर सीने में लगा हुआ ये खंजर निकाल दो, उसके बाद मैं शरीर में वापस चला जाऊंगा। सुनैना ने आगे बढ़कर उस लाश के गले में से माला उतार दी और वो खंजर भी निकाल कर एक तरफ फेंक दिया। अघोर की आत्मा उसके अंदर चली गई और उसने आंखें खोल ली। वो उठकर सुनैना के गले लग गया। तभी गुफा के अंदर मध्यम कदमों से विशाल और तांत्रिक बाबा दाखिल हुए। मेरे साथ फिर से धोखा। अघोर ने तांत्रिक के गले में अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून चूसने लगा। इतने में विशाल ने माला और चाकू जमीन से उठा लिए, फिर अघोर के गले में माला डाल दी। वो विशाल पर हमला करने के लिए जैसे ही उसकी तरफ लपका, विशाल ने न देर करते हुए उसके सीने में चांदी का खंजर घोंप दिया। वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। मैं वापस आऊंगा, कहकर उसकी आंखें बंद हो गई। आज पूर्णमासी की रात है, हम इसको अभी जला देते हैं। विशाल ने साथ में लाए हुए कैन से लाश पर पेट्रोल डाला और फिर
उसमें आग लगा दी। अघोर चीखता हुआ हाथ पैर मारने लगा। वो दोनों एक तरफ खड़े उसे देख रहे थे। थोड़ी ही देर में वो तड़पने लगा और राख बन गया। सुनैना विशाल के गले लग गई। अब वो दोनों बहुत खुश थे। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने को वो तैयार थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें।